पहले मैं थैंक्स अलॉट आप आए, और मैं एक्चुअली बिजी था रईस की शूटिंग में और आज मैं फ्री हुआ हूँ, तो इसलिए हमने सोचा आज ही कर लेते हैं। और ये क्लेरिफिकेशन है क्योंकि इस बीच में हमने कोई क्लेरिफाई नहीं की थी चीज़ों को। और फर्स्ट ऑफ ऑल के आज जैसे मैंने बताया कि हम लोग शूटिंग में बिजी थे अभी रईस की शूटिंग से, अभी फ्री हुआ हूँ मैं आज, और सिर्फ क्लेरिफिकेशन देना है हमें किसी को, ना तो मैं करना चाहते किसी को ब्लेम करना चाहता हूँ, बट एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम लोग फिल्म के प्रमोशन पे मिलेंगे, बड़ी खुशी होती उसी की, क्योंकि वही उसी में अच्छा लगता है, वही सब मुझे, जैसे मैं आपको पता है हमेशा मेरा ये रहता है कि हर वक्त एक्टिंग के बारे में बातें करना, फिल्में देखना, फिल्में करना, यही उसी में ज़्यादा खुशी होती है। बट जिस जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, और मुझे नहीं पता था कि ये मतलब इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, मेरे पहली बार मेरे साथ हुआ लाइफ में। और जैसे कि मुझे, क्योंकि मेरी बीवी भी है, बच्ची भी है मेरी, और माँ भी है, यहीं पे हैं वो सब लोग, तो मुझे मालूम है कि फीमेल को कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, और आज से नहीं बहुत पहले से मालूम है। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ वो इस तरीके से हुआ कि पूरा प्लान था वो एक्चुअली, और प्लान वे में किया गया। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, तो वो वीडियो जो है, पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से प्री प्लान हुआ। जैसे वीडियो शुरू होता है कि पहले प्रवोक किया वहाँ पे, मैं वॉशरूम में था और जो मेरी वाइफ, मदर और सिस्टर वगैरह बैठी थी, वहाँ से मैं जब प्रवोक करके वो चले गए, और फिर मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे हुआ, और फिर मैं विंडो से मैं अपने देखा कि कोई वीडियो बना रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो लड़की विंडो जो वीडियो बना रही थी उनको मैं जानता नहीं और आज भी नहीं जानता हूँ वो, क्योंकि सोसाइटी में रहती नहीं है। तो वीडियो जब बना रहे, तो मैंने अपने ब्रदर से बोला कि वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो फिर हम बाहर निकले कि वीडियो। अब सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर आपके घर के सामने मैं अपना वीडियो लेके खड़ा हो जाऊँ, तो आपका पहला रिएक्शन सिर्फ शायद यही होगा कि वीडियो क्यों बना रहे हो। अगर उसके बाद भी कोई नहीं मानता, तो आप थोड़ा सा फिर बोलोगे कि वह वीडियो क्यों बना रहा है, मेरा वीडियो क्यों बना रहे। और उस वीडियो में जब वो शुरू होता है, तो उसमें शुरुआत में शायद आप देखेंगे उस वीडियो को, तो उसमें वो है कि जूम करो, और वो दो बार जूम होता है। अगर मैं इतनी दूर भी खड़ा हूँ, तो उसमें ऐसा लगेगा कि मैं पास में खड़ा हूँ। तो उस वो प्री प्लान, चूँकि प्री प्लान था, उस लड़की ने बोला कि डोंट टच, और जबकि मैं काफ़ी दूर खड़ा हुआ था, डोंट टच, तो हमारे जो सिक्योरिटी वाला बंदा था, उन्होंने कहा मैडम आप लेडीज़ हैं, हम आपको टच क्यों करेंगे। और उसके बाद मैं चूँकि एकदम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है, ये प्री प्लान है कुछ, उसी वक्त पर मैंने बोला कि बनाओ, चलो। तो मुझे शक हो गया था। अच्छा, मैं ये सारे इंसिडेंट के, यार छोड़ो इन सब चीज़ों को, कि खामखा न्यूज़ बन जाएगी, कोई मतलब इन सब चीज़ों का, और मैं चला जाता हूँ वहाँ से। मुझे खुद 5-6 बजे के आसपास पता चलता है, ट्विटर से पता चलता है कि मेरे खिलाफ़ FIR हो गई है। तब लोग हमारे घर वाले भी जाते हैं वहाँ पे कि इंसिडेंट तो हमारे साथ हुआ था, ये वो, तो इस तरह की चीज़ें हुई। बट बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो एक तो आप वीडियो से देख के खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, बाकी जो जिस तरीके से जो टेक्निकल चीज़ें पार्किंग को लेके, वो ऑलरेडी हमारे पास पेपर है, प्रूफ है बाकायदा, कि हम जहाँ पे पार्किंग करते हैं उसका बाकायदा पैसा देते हैं। और जो सोसाइटी है वो सिर्फ मेरे आगे से नहीं, मैंने चारों तरफ से उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने पूरी सोसाइटी को बाकायदा अपने पैसे से बहुत अच्छा बनवाया, ताकि लोग आते रहें, जो भी आता है तो एटलीस्ट उनको लगे कि भाई हाँ अच्छा माहौल है। तो सिर्फ इतनी सी बात थी, सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने बताया। थैंक यू।